नमस्कार, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग आपका स्वागत करता है। आज हर प्रदीपिका में वर्णित आसनों के क्रम में दूसरा आसन हम करने जा रहे हैं। सामान्य सावधानियों सामान्य लाभ सहित इसकी क्रियाविधि आपको बताई जाएगी। दूसरा आसन गोमुख आसन किस प्रकार आपको करना है। आप सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दंडासन की स्थिति में आपकी कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर के बगल में रहें। गोमुख आसन आपके पैरों की आकृति गाय के मुख के समान। अंतिम स्थिति में आप देखेंगे आपके एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना गाय के मुख के समान आकृति बनाता हुआ। आप दोनों पैरों को क्रॉस में लेकर जाएंगे। सबसे पहले जिसमें भी आप सुविधा महसूस करें, आप अपने राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट थाई के पास लेकर जाएंगे, थाई जॉइंट के पास। इसी प्रकार आप अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई जॉइंट के पास लेकर जाएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको दोनों पैरों को अगल बगल रखना है आपके हिप जॉइंट के पास, थाई जॉइंट के पास, जहां पर भी आप यथासंभव रख सकते हैं खींचते हुए। आपके पैरों की आकृति गाय के मुख के समान, ये इसकी अंतिम स्थिति है। हो सकता है प्रारंभिक स्थिति में आपको यह करने में कठिनाई हो, तो आप कोशिश करेंगे दोनों पैरों को मोड़कर इस प्रकार से लाने का। और अंतिम स्थिति में आपके हाथ या तो दोनों पैरों के पंजों के ऊपर रहेंगे या फिर आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। जो आपको अभ्यास दिखाया जाएगा वह कमर गर्दन को सीधी करने के लिए, सुविधा के लिए यह अभ्यास करके दिखाया जाएगा। अंतिम स्थिति में आंखें आप बंद रखेंगे, कमर गर्दन खींचते हुए पैरों पर परस्पर खिंचाव आपका बना रहे। अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करें। यह अभ्यास आप 30 से 60 सेकेंड कर सकते हैं। अभ्यास पूर्ण होने के बाद सर्वप्रथम आप अपनी आंखें खोलेंगे। इसके कुछ सामान्य सावधानियां हैं। अभ्यास करते हुए आप अपने पैरों को जोर जबरदस्ती ना खींचे। आपकी मांसपेशियों में लचीलापन ना होने के कारण हो सकता है कि आपको दर्द का अनुभव हो, तो जबरदस्ती नहीं करनी। इस स्थिति में किसी भी अभ्यास में जबरदस्ती ना करें। यह आसन आपकी कमर में सकारात्मक खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे कमर दर्द साइटिका की समस्या में यह आसन अच्छा प्रभाव डालता है। इस आसन का सीधा प्रभाव आपकी छाती दोनों जंघाओं आपकी कमर पर पड़ता है। तो आइए अब पुनः विश्राम की स्थिति में लौट आए। धीरे से आप अपने हाथों को कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथों को सामान्य स्थिति में लेकर जाएं और इसी प्रकार से आप अपने पैरों को सीधा कर लें। दाएं पैर को सीधा रखते हुए बाएं पैर को सीधा रखते हुए दोनों पैरों को खोल लें, कमर को ढीला छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम की स्थिति में लौट जाएं।